इससे बड़ी कोई भ्रांति हो नहीं सकती कि मनुष्य यह मान ले कि वह जैसा है, जो कुछ कर रहा है, जो कुछ करता है, जो कुछ योजना बनाता है, जो कुछ भी उसकी प्रवृत्तियां हैं, वह सब योगमयी हैं। इससे बड़ी कोई भ्रांति नहीं होगी। सत्य यह है कि जब मनुष्य देखने लगता है अपने जीवन को और ईमानदारी से वह देखता है, तो उसे पता लगता है कि सत्य जो नैसर्गिक है उससे मनुष्य बहुत दूर हट गया है। नैसर्गिक सत्य है कि संपूर्ण प्रकृति योगमयी है। जब हम अपने को देखने लगते हैं तो हमें पता लगता है कि हम तो बहुत दूर हट गए हैं, हम वियुक्त हैं, अयुक्त हैं। अपने जीवन को जब देखते हैं, हमारी वृत्तियां क्या हैं, हमारा व्यवहार क्या है, हमारा चरित्र क्या है, हमारे विचार क्या हैं, हमारी योजनाएं क्या हैं, हमारी चेतना क्या है, तो स्पष्ट होता है कि हमारी चेतना अयुक्त है, वियुक्त है, उसमें योग नहीं है। अनेक बार लोग सोचते हैं, अरे कर्म करो और अपनी ड्यूटी पूरी करो, घर द्वार संसार समाज इन सब में जो कुछ तुम्हें करना है उसका खूब पालन करो, किंतु कुछ उनसे परिणाम में कुछ आशा मत रखो, ये कर्मयोग है। कई बार ऐसा मन में आया, केवल निष्काम कर्म को हम कर्मयोग कह देते हैं। लेकिन योग शब्द का एक अपना अभिप्राय है, योग शब्द की अपनी एक जबरदस्त डिमांड है। योग का मतलब है मिलना, एक हो जाना, भगवान के साथ युक्त हो जाना। तो जिन कर्मों के द्वारा हम भगवान के साथ युक्त होते हैं और जो कर्म युक्त होने के पश्चात स्वयं हमारे जीवन में प्रवाहित होते हैं, निसृत होते हैं, वह होगा कर्मयोग। तो एक अविनाशी तत्व की ओर श्री कृष्ण अर्जुन की चेतना को ले चलते हैं, और वो जो है वो केवल एक विचार नहीं है, वो केवल एक मान्यता नहीं है कि तुम अविनाशी हो और तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारा मरण नहीं, तुम्हारा बुढ़ापा नहीं। ये तो विचार हुए, ऐसे विचार हम सवेरे से शाम तक करते रहे, लेकिन शोक आएगा तो आएगा, डूब जाएंगे शोक में। ये एक बोध है और यह बोध एक आध्यात्मिक बोध है। उस बोध में जागरण हमारा होगा तो हम शोक मुक्त होंगे। वह बोध है हमारी चेतना हमारे शरीर से ऊपर, हमारे मन से ऊपर, इंद्रियों से ऊपर, प्राण से ऊपर, हमारे अंतरात्मा में स्थित हो। वह अंतरात्मा जो है उसके लिए गीता का शब्द है देही। श्री अरविंद ने एसेज ऑन द गीता में यज्ञ के और कर्म के संबंध को लेकर के श्री अरविंद सेक्रीफाइस शब्द का प्रयोग करते हैं, और सेक्रीफाइस का अर्थ होता है मेकिंग सेक्रेट बाई ऑफरिंग। सेक्रीफाइस का एक सामाजिक अर्थ हमारे मन में है, और सेक्रीफाइस का एक वो भी अर्थ है कि किसी पशु की बलि दे दी तो सेक्रीफाइस कर दिया, कोई और बलि दे दी तो उसको सेक्रीफाइस कर दिया, वो भी एक अर्थ है। लेकिन श्री अरविंद विस्तार से हमको बताते हैं उनकी भाषा, श्री अरविंद की, द लॉ ऑफ सेक्रीफाइस इज द कॉमन डिवाइन एक्शन थ्रोन इन टू द वर्ल्ड इन इट्स बिगिनिंग एज अ सिंबल ऑफ द सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स। आवर कॉमनेस्ट एक्टिविटी मस्ट अस्यूम दिस कैरेक्टर। कॉमनेस्ट एक्टिविटी ऑफ, वहां साफ लिखते हैं, व्हेन वी ईट लेट अस फील दैट वी आर ऑफरिंग द फूड टू द प्रेजेंस विद इन। हमारा कर्मयोग भोजन में, स्नान में, व्यायाम में, ऑफिस में, अपना काम करने में, खेती में, इंडस्ट्री में, सब जगह हमारा कर्मयोग आरंभ हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात को समझें कि हम विच्छिन्न नहीं हैं, असंबद्ध नहीं हैं, हम संपूर्ण सृष्टि के साथ एक हैं। संपूर्ण सृष्टि का विधान ही हमारे भीतर से कार्य कर रहा है।